दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी, जिसके लिए हमें चाहिए होगा भिंडी मसाला। उसके लिए हमें चाहिए भिंडी, प्याज, टमाटर और गरम मसाला। ये पैन लिया है, मैंने पैन में जीरा डाल रखा है और इसमें डालेंगे प्याज, अब हमें इसमें ऐड करना है प्याज, टमाटर, ये डालते हैं मिर्च, चलाना है जब तक ये दोनों का कलर चेंज ना हो जाए, दोनों ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अब देखें हमारी प्याज गल चुकी है, वो ट्रांसपेरेंट सी हो चुकी है, देखिए बिल्कुल टमाटर वो दोनों। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी भिंडी, देखिए हमने भिंडी ऐड कर दिया है। अब इसमें मिक्स करेंगे, 2 मिनट तक ऐसे भूनेंगे ऐसे। फिर इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, पहले हम इसे भून लें अच्छे से। तो देखें भिंडी भून गई थी, तो हमने इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया है, इसे मिलाएंगे अच्छे से चलाएंगे। अब हमें इसमें ऐड करना है हल्दी, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे नमक। अब हल्दी और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इसे 5 मिनट तक भूनेंगे, जब तक इसकी जो लस है ये कम ना हो जाए, तब तक इसे भूनना है। ये देखें इसमें लम्स कम हो चुके हैं इसके भिंडी के, इसमें काफ़ी मात्रा कम हो गए हैं। और इसमें ऐड करेंगे पानी, ये देखिए हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे, 5 मिनट तेज़ आंच पे इसे ढककर पकाएंगे। 5 मिनट बाद जब ये भिंडी गल जाए तो फिर हमारा ये सालन रेडी हो जाएगा। हमने इसे ढक दिया है, अब हम इसे 5 मिनट बनाए बॉयल आने तक देखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तब हम अपनी भिंडी को देखते हैं। ये देखें भिंडी गल चुकी है हमारी, अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। आप चाहें तो इसे और भून लें, भून के और सुखा लें, मुझे सालन की ज़रूरत थी इसलिए मैंने सालन वाली बनाई है। ये देखें हमारा भिंडी मसाला तैयार है, अब हम इसे सर्व कर सकते हैं बाउल में, निकाल के सर्व करें गर्मा गर्म। काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी मज़ा आएगा खाने में। तो ऐसी ही कुछ अच्छी अच्छी रेसिपी जानने के लिए मुझे प्लीज़ लाइक और फॉलो करें। बाय बाय।